तद्भव, देशज और विदेशज, ये सारे उत्पत्ति के आधार पे बने हुए प्रकार हैं। सब देखें, जिसमें तत्सम का मतलब होता है संस्कृत का मूल शब्द जिसका आज भी हम हिंदी में प्रयोग करते हैं। तद्भव का जो मतलब होता है संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप, विकृत रूप, जैसे अग्नि को हम आज आग बोलते हैं, पवन को हवा बोलते हैं, ऐसे ही कई सारी चीज़ें हैं, कई सारे शब्द हैं, आपको लाखों की संख्या में ऐसे शब्द मिल जाएंगे जो तत्सम से तद्भव यूज किए जाते हैं। देशज शब्द और विदेशज शब्द, तत्सम और तद्भव के बारे में आपने पिछली वीडियो में देखा होगा, अब हम पढ़ेंगे देशज और विदेशज। इसमें पढ़ेंगे वैसे शब्द जो हमारे, जिनकी उत्पत्ति हमारे देश में हुई, और वैसे भी शब्द हैं जो विदेशी शब्द तो हैं लेकिन हिंदी में ये मुख्य रूप से इस्तेमाल किया जाता है इनका। तो आइए और हम क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देशज शब्द के बारे में लिखिएगा जरूर। देशज शब्द क्या होता है, तो इसकी परिभाषा लिखिए। देशज शब्द बोलचाल की भाषा, देश में बोलचाल की भाषा में, बोलचाल की भाषा में पाए जाने वाले शब्द, पाए जाने वाले शब्द, बोलचाल की भाषा में हम जहां पे भी रहते हैं, चाहे हम जिस भी कंट्री में रहते हैं, वहां पे अगर जो है ना भाषा जो बोलचाल की भाषा में प्रयोग की जाती है वो वहां की देसी शब्द कहलाती है। क्योंकि हम भारत में रहते हैं इसलिए हमारे लिए देसी शब्द, इस भारत के अंदर रहने वाले जो देसी शब्द हैं जिनका हम मुख्य रूप से या फिर आम तौर पे हिंदी में इस्तेमाल करते हैं, उसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो देशज शब्द का आपने परिभाषा तो जान ही लिया होगा, इसके जो उदाहरण है, उदाहरण जैसे परात, लोटा, पगड़ी, ये सारे देशज शब्द के उदाहरण है। लपलपाना, चुटकी, लपलपाना, चुटकी, ऐसे ही कई सारे और भी शब्द हैं, ठठेरा, कपास, कौड़ी, पान, बाजरा, सरसों, ऐसे सब भी। अब इसके बाद हमारा आता है विदेशज शब्द। विदेशज शब्द में क्या हो, वैसे शब्द जिनका हम आम तौर पे, शब्द तो वो विदेशी हैं लेकिन हम इस्तेमाल करते हैं भारत में, अपने हिंदी में उनको हमने जगह दे दी है, वो क्या होंगे हमारे विदेशज शब्द। तो आइए और उसके बारे में हम बेहतरीन तरीके से जानेंगे, कहाँ कहाँ से कौन कौन से शब्द आए, किस किस देश से, जिनका हम इस्तेमाल आज यहाँ पे करते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि भारत में कई सारे विदेशी देशों का, विदेशियों का आक्रमण रहा, और यही रीजन है कि आज जो है विदेशी शब्द भी भारत में आम बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो विदेशज शब्द के बारे में आप परिभाषा लिखिए, जिन शब्दों का जन्म है ना विदेश में हुआ है, जिन शब्दों का जन्म, शब्दों का जन्म विदेश में हुआ है लेकिन आम तौर पे हम भारतीय भाषा में इसका इस्तेमाल करते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, विदेशज शब्द कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए आप लिखो अंग्रेजी के शब्द कौन कौन से होते हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं विदेशज शब्द का। फर्स्ट हम लिखेंगे अंग्रेजी के शब्द, अंग्रेजी के शब्द कौन कौन से शब्द हो सकते हैं आप चेक करो, शायद आपको बहुत सारे शब्द आपको मिल जाएंगे।
जैसे अफसर, अफसर, एजेंट, कॉलेज, ये सारे सब अंग्रेजी के हैं। नर्स, कार, कॉपी, नर्स, कार, कॉपी, ये सारे शब्द हैं अंग्रेजी के। इसके बाद आते हैं हमारे जो हम ज्यादातर यूज करते हैं अरबी के, क्योंकि सबसे पहले आए हमारे यहाँ कई सारे विदेशी आए, फ्रांसीस आए, पुर्तगाली आए, फिर उसके बाद मुगलों का शासन हुआ, अंग्रेजों का शासन हुआ, उर्दू का आविष्कार भी हुआ भारत में उर्दू शब्द का। तो अरबी के कौन कौन से शब्द हैं? अक्ल, अदालत, इंतजार, अक्ल, अदालत, इंतजार, ऐसे कि वक्त हो गया, इस्तीफा का, कमाल, आजाद, ऐसे कई सारे शब्द हैं जो अरबी के इस्तेमाल होते हैं। इसके बाद और भी कई सारे शब्द हैं जैसे फारसी, क्योंकि फ्रांस का भी दबदबा रहा भारत पे एक समय था। अखबार, अमरूद, अमरूद उसका संस्कृत कुछ और होता है, अमरूद, ऐसे ही कई सारे, खर्च, खून, गुलाब, खर्च, खून, गुलाब, ये सारे शब्द फारसी के हैं। उसके बाद पुर्तगाली के शब्द, सबसे लास्ट में अगर कोई राज्य आजाद हुआ पुर्तगालों से तो वो है गोवा। अचार, पानी तो नहीं आ रहा, अचार हो गया। कमीज, गोभी, पादरी, कमीज, गोभी, पादरी, ये सारे शब्द जो है पुर्तगाल के हैं। तुर्की भाषा से, तुर्की ने भी आक्रमण किया इंडिया पे, तो तुर्की से हुआ आका, उर्दू, आका, उर्दू, ये जो भी शब्द हैं ये तुर्की के हैं। चीनी भाषा से चाय वगैरह जो कि आज भी चलता है, चाय हो गया, लीची हो गया, ये सारे शब्द चीनी भाषा के हैं। ऐसे ही जर्मनी से नाजीवाद, किंडरगार्टन, डच भाषा से चिड़िया, झील, और यूनानी भाषा से एकेडमी, एडम, ऐसे ही कई सारे शब्द आते हैं। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पे चार शब्द के प्रकार हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तत्सम को शुद्ध संस्कृत रूप होता है तत्सम, जिसका इस्तेमाल हम आज भी हिंदी भाषा में बढ़ चढ़ के करते हैं, जैसे अग्नि, पवन, ऐसे ही कई सारे शब्द हैं। तद्भव, तद्भव में क्या होता है? वैसे शब्द जो इंग्लिश के बिगड़े हुए रूप है, जिनका आमतौर पे हम हिंदी में इस्तेमाल करते हैं, बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल करते हैं, वो हो गए हमारे। जैसे पवन को हम बोलते हैं हवा, अग्नि को आग, अनल को हवा ही बोलते हैं, पुष्प को फूल बोल देते हैं। फिर आता है हमारा देशज शब्द, जो कि देश में पगड़ी, वैसे कई सारी चीजें हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा विदेशज, जिनका जन्म हुआ विदेश में, लेकिन इस्तेमाल हम इन सब का मैक्सिम आज करते हैं करते हैं। उम्मीद है आपको ये वाला टॉपिक समझ में आ गया होगा।